हमने पानी साथ में नहीं लिया, इस रस्ते से हम आए थे। ये रास्ता है गब्बर, काफी बड़ा मंदिर यहाँ की साथ में गांव भी था पुराने टाइम आई चित्र आगे निकल गया था। लगभग 5 बज चुके हैं और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। फिलहाल ये रास्ता है बना हुआ है ऊपर जाने के लिए और एक आगे से रास्ता बना हुआ है, तो फिलहाल हम यहीं से जा रहे हैं। काफ़ी सांस फूल रही है, पास में एक टंकी बनी हुई है। ओ भाई काफ़ी थक चुके हैं। ये व्यू देखो भाई साहब, हमने पानी साथ में नहीं लिया इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्यास लग चुकी है, तो यहाँ पे पानी पीने वाले हैं और थोड़ी देर विश्राम करेंगे फिर आगे का वीडियो शूट करने वाले हैं। ओ भाई ये है वो जगह, ये वो जगह है जहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं। साथ में गाइड आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरा माउंटेन आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फुल बड़ा माउंटेन है। अभी फ़िलहाल इस रास्ते से हम आए थे और यहाँ से ऊपर जाना है। हम अभी मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। ये ऊपर का व्यू है, मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये सारा पंडाल बना हुआ है जहाँ पे गाड़ियाँ और जो पैदल यात्री है और जो यहाँ से श्रद्धालु आते हैं वो ये रास्ता है। ये सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पे रास्ता बनाया गया है मंदिर के ऊपर आने के लिए। हम लोग पिछली साइड से इस मंदिर के लिए आए हैं और हमने पीछे से विजिट किया, यात्री वो ऊपर आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और व्यू देखो भाई साहब, ये है व्यू, शानदार व्यू है यहाँ का। वो इस माउंटेन से भाई जो ठाकुर वाली फीलिंग है वो आ रही है, जहाँ पे रामगढ़ का ठाकुर है, गब्बर का राज था, उस जैसे माउंटेन का यहाँ पे व्यू है। और ये रामगढ़ की टंकी जैसा नज़ारा दिख रहा है। साथ में भाई बात करें तो ये काफ़ी मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग यहाँ पे 2 से समथिंग सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये व्यू है और यहाँ से पीछे का रास्ता है, हम यहाँ पे आए थे तो ये मंदिर है और यहाँ पे मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, तो इसलिए हम तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। यह मंदिर है जहाँ पे कालका माता का मंदिर बना हुआ है। साथ में यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हो, पूरा मंदिर की सजावट आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे माता रानी के यहाँ जहाँ पे मन्नत पूरी हो जाती है, जिस मन्नत मांगते हैं तब बांधते हैं यहाँ पे। बड़ा मंदिर है और मान्यता है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लगभग 700 से 800 साल पुराना मंदिर है। और पूरा व्यू आपको दिखा सकता हूँ, ये लाल पत्थर का बना हुआ है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर था, अभी तो इसका जो नव निर्माण है वो हो चुका है। और यहाँ की जो शिलालेख है वो काफ़ी पुराने हैं और इन शिलालेख की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। ये मंदिर बना हुआ है तो काफ़ी शानदार मंदिर है। इस दाद तक बोल रहे मशीन से पता मियाँ जिसकी पांडवन लिपि लगी है वो 924 की है, लेकिन ये बाहर का जो नीचे शिव चित्र है ना वो जो बाहर से लोग मशीनों जांच करने से पता लगे 1830 तक शिव चित्र मिल रहे हैं। नीचे शिव चित्र है वो जो नीचे चित्र, हाँ काफ़ी टाइम इनके साथ, मतलब पहले भी इनके साथ में गांव भी था पुराना टाइम आई के साइड में। अच्छा, वो 600-700 साल जहाँ महाराष्ट्र रहे इनकी हैदराबाद रहने चले गए। बाकी कितना टाइम सुना रहे बाद में ये सानन ये गांव बसे फिर वो सानन माता हो गई, जो पहले वो पुराने टाइम में गांव के गांव में एक गांव चले गए एक मूर्ति पड़ी हल भी जब तुम इतना ही चहो अब वो एकदम नीचे हो गयो, वो कम से कम 8.5 साल पुरानी मूर्ति है। तो वो हैदराबाद से वो बानिया वो लोग आए जैन बानिया, बोला हमारे यहाँ पूछ गई हमारे से 1 किलोमीटर दूर वो है, तो दिखाई तो बोले यार ये सनत तो मूर्ति देखे थी, ये लोग जो मिलत जात के वो उनको भी जात करी, वो जांच करने के या कसाडी है कसाडी न सो इतना साफ पानी है, वो संघर्ष में खत्म हो गया, वो जितने हैदराबाद से लोग आए बोला संघर्ष खत्म हर कुल गई है। तो उनके पास एक बात में लिखे है कि 1 किलोमीटर दूर है वो इतना बड़ा है और वो तो सत्य को कोई टिका नहीं है।
ये चित्र है ना, दो मिनट साफ दिया देख लिया। ये भीड़ करता है, फिलहाल ये मंदिर है, कालका माता का मंदिर है जहाँ पे अभी हम फिलहाल आ चुके हैं। ये शिव चित्र आगे निकल गया, 18-30 जाता है ये शिव चित्र, ये पांडु में लिखी है। अच्छा, और जब बनाया 2-3 साल में इधर दुकान है जो रखा हुआ बाहर के लोगों ने, ये शिव चित्र लिखे हैं वो, ये पुराने हैं। तो यहाँ से फिलहाल चलते हैं, अभी शाम का समय लगभग 5 बज चुके हैं और ये सीढ़ियाँ मंदिर के ऊपर जाने के लिए बनी हुई है। हम पीछे के रास्ते से इस मंदिर में प्रवेश किया था और अभी फिलहाल हम वापस जा रहे हैं। और इसका जो दरवाज़ा है वो एक बार आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा दरवाज़ा बना हुआ है, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। और ये मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से सीढ़ियों से मंदिर की तरफ जाया जाता है। तो फिलहाल चलते हैं।